हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टॉक विद मलिक में। दोस्तों, मैं आज बात करूंगा सिनकॉम फॉर्मुलेशन लिमिटेड शेयर के बारे में, जो कि एक फार्मा सेक्टर की कंपनी है। आप इसकी मोटी मोटी कुछ बातें समझें तो देखिए, स्टेबल मतलब कंपनी, इसने काम जो करना चालू किया है 1995 से चालू करा इसने काम अपना कारोबार, और ग्लोबल फार्माटिकल ये कंपनी है, मैन्युफैक्चरर है एंड मार्केट एस ब्रॉड रेंज ऑफ हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स, द कंपनी इज ए जेनरिक। तो देखिए, कंपनी लगातार बेहतर काम कर रही है और 15 देशों के अंदर, यहाँ देखें 15 कंट्रीज वर्ल्ड वाइड हैविंग मोर देन 400 प्रोडक्ट रजिस्टर्ड, मतलब दुनिया के 15 देशों में इसके 400 प्रोडक्ट हैं वो रजिस्टर्ड। तो ये इसका शेयर प्राइस कितना है, इसका शेयर प्राइस है मात्र 13 रुपये का। अब 13 रुपये का प्राइस है इसका, देख सकते हैं। और इस कंपनी की कारोबार जो है वो पूरे वर्ल्ड के 15 देशों में फैला हुआ है। अब हम देखते हैं शेयर के अंदर हमें खरीदारी करनी चाहिए या नहीं चाहिए, इसके अंदर अपनी होल्डिंग बनानी चाहिए या नहीं। मात्र 1,227 करोड़ का इसका मार्केट कैप है और इसका हाई और लो देखें तो 6.23 रुपये का लो और 18.60 रुपये का इसका हाई है। वहीं पी देखें तो 48 का है इसका, तो पी के हिसाब से शेयर आपको महंगा मिल रहा है। लेकिन मेरा कहना है आप इसको पूरी तरीके से समझने की कोशिश करें कि इस वीडियो में मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं और हमें इसकी होल्डिंग अपने पोर्टफोलियो में बनानी चाहिए या नहीं। फेस वैल्यू इसकी 1 रुपये की है। तो ये कंपनी के अंदर अच्छा ही कोई नहीं है, सारी बुराई भरी हुई है। कौन से हैं, स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 4.55 टाइम इट्स बुक वैल्यू, मतलब अपने जिसका प्राइस होना चाहिए उससे 4.5 गुना महंगा आपको शेयर मिल रहा है। द कंपनी हैज डिलीवर्ड ए पुअर सेल्स ग्रोथ ऑफ 6.95% ओवर पास्ट 5 ईयर, पिछले 5 साल से कंपनी मात्र 7% के आसपास का ग्रोथ कर रही है। कंपनी हैज ए लो रिटर्न ऑन इक्विटी ऑफ 11.5% ओवर लास्ट 3 ईयर। तो हमने कंपनी के प्रोसेस कौन से देखे, प्रोसेस तो कोई है नहीं, कौन भरे हुए हैं, बाकी और भी कुछ चीज़ की देखने की कोशिश करते हैं। जैसे कि क्वार्टरली रिजल्ट देखें इसका, 2020 के दिसंबर में 84.17 करोड़ की इसकी सेल्स थी, जो अब 63.64% की करोड़ की सेल्स हैं। नेट प्रॉफिट इसका जो मात्र 10.06 करोड़ का था, अब और मामूली घटकर 6.42 करोड़ का रह गया है। पेनी स्टॉक है, इन कंपनियों में ऐसा ही होता है। सालाना आधार पर देखें तो 2018 में कंपनी की 118 करोड़ की सेल्स थी, अब 246 करोड़ की सेल्स हैं। नेट प्रॉफिट देखें इसका सालाना आधार पर तो ये है आपका, मैंने किसा देखा 2012 में मात्र 4 करोड़ की इसकी प्रॉफिट थी, अब 25 करोड़ की प्रॉफिट है। तो काफ़ी टाइम हो गया कंपनी को, लेकिन प्रॉफिट में अभी कोई ऐसी छलांग देखने को नहीं मिल रही है। कैश फ्लो देखें कंपनी के पास कैश फ्लो मात्र 1 करोड़ का है। शेयर होल्डिंग पैटर्न कुछ इसका बेहतर है। तो देखिए, जून 2021 में प्रमोटर की होल्डिंग 41.18% की थी और इस टाइम के 50.57% की हिस्सेदारी है। तो प्रमोटर ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है और कहीं ना कहीं इनको अपनी मार्केट में और कंपनी में कुछ ना कुछ बेहतर देखने को मिल रहा होगा, तभी इन्होंने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। पब्लिक के पास जो 56.82% की हिस्सेदारी थी, अब घटकर
49.35% की सीधाई दे गई है। अब मैं आपको दिखाता हूँ उनका चार्ट कि चार्ट ये कंपनी कब से काम कर रही है शेयर बाजार के अंदर। तो देखिए इसकी हम चार्ट देखें तो चार्ट ये आप हमको दिखा रहा है 18 नवंबर 2022, उस टाइम उसका प्राइस था 7.80 रुपये, इसका हाई 15.80 रुपये का दिखा रहा है। उसके बाद गिरावट भी आई लेकिन फिर के शेयर बढ़ा और फिर दोबारा उसमें गिरावट देखने को मिल रही है। तो इस शेयर के अंदर देखिए ये एक पैनी स्टॉक है। मेरा मानना ये है कि आप इसको एक ऐसे डीमैट अकाउंट में डाल दें 11-12 हज़ार रुपये के 1,000 शेयर खरीद कर डाल दें, एक साइड में डाल दें, इसको देखें ही नहीं। या तो आपके 11-12 हज़ार रुपये जो भी लगाएंगे वो ख़त्म समझ लें, वरना हो सकता है कि कंपनी कभी किसी अच्छी कंपनी के साथ मिल जाती है, कोई ख़रीद लेता है, ऐसा कोई चांस बना तो हो सकता है ये वारे के न्यारे कर दे, आपके प्रॉफिट को कई गुना बढ़ा दे, मल्टी बैगर रिटर्न बना के दे दे। क्योंकि लिस्ट के 2022 में हुई है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ उसको शेयर मार्केट में, मात्र 2 साल के आसपास होने वाली हैं। तो इसके अंदर आप ये 10-12 हज़ार रुपये लगा कर छोड़ दें और अपने बुढ़ापे के लिए या बच्चों के लिए ये समझ लें कि मैंने ये खर्चा कर दिया किसी चीज़ में अपने। जैसे बहुत सारे हम कभी सामान खरीदते हैं घर के लिए, फ्रिज हो गई, टीवी हो गया, ऐसी कोई भी चीज़ खरीदते हैं, खरीद कर डाल दिया वो ख़राब होएगा फिकेगा जो भी होगा, ऐसे ही इसके ऊपर 10-12 हज़ार रुपये खर्च करें और छोड़ दें। हो सकता है आने वाले टाइम में मल्टी बैगर शेयर आपको बन के दिखा दे और आपके प्रॉफिट को बहुत ऊँची ऊँचाइयों पर ले जाए। दोस्तों इस शेयर के बारे में मैंने आपको सारी डिटेल जानकारी दी, आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर दें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय।